और कितना है हम लोग को भी तो करना है। स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, अखिलेश वर्सेस आजम खान होना शुरू हो चुका है, जिसका डर था वो होना शुरू हो चुका है। क्या खबर है? खबर ये है कि अखिलेश यादव, जो कि आजम खान जब देखे 23 महीने के लिए जेल में थे, तब उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद उनके जो विधायक बेटे, आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश यादव को चेतावनी दी थी। उसके बाद फिर देखे समाजवादी पार्टी जाती है मिलने, सब होता है, बाहर आते हैं आजम खान जेल, फिर दोबारा उनके बाद ऊपर मुकदमे दायर किए जाते हैं। तो इन सब के बीच में अखिलेश यादव आजम खान से थोड़ी सी दूरी बनाए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब मैनपुरी के चुनाव थे, जब तो देखे दो तीन बार मिले थे साथ में अखिलेश यादव, और साथ ही साथ उनके जो नेता थे तमाम, रामगोपाल वर्मा भी मिले थे, रामगोपाल यादव भी मिले थे, माफ कीजिएगा। तो इसमें देखे कि लगातार अखिलेश यादव पर जो देखिए आरोप लग रहे हैं कि आजम खान को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो वो अब देखिए सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आजम खान को लेकर हेट स्पीच का मामला शुरू हो गया। जो उनकी जौहर यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर भी तीन मामले अलग से चल रहे हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी देखिए दो मामले चल रहे हैं, जिसमें उनको देखिए याचिका की दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए खारिज कर दी उनकी याचिका आज। तो इसलिए बार बार योगी सरकार जो है वो आजम खान पर हमलावर हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो अपनी राजनीति चमकाने में आगे लगे हुए हैं, और आजम खान को देखिए दरकिनार किया हुआ है इस वक्त तक समाजवादी पार्टी ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो विपक्षी पार्टियों पर भाजपा का हथौड़ा बार बार चल रहा है, वो हथौड़ा टूटेगा कब, और विपक्षी पार्टियां जो है वो एक कब होगी। क्योंकि अगर मैं विपक्षी एकता की बात करूं, तो राहुल गांधी ने चिट्ठी सबको लिखी थी भारत जोड़ो यात्रा के लिए, लेकिन सिर्फ राकेश टिकैत और ओपी राजभर ने देखिए निमंत्रण स्वीकार किया, अखिलेश और मायावती ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाँ धन्यवाद जरूर बोला है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उनको इन्विटेशन देने के लिए, लेकिन आए नहीं अभी तक। तो इसलिए देखिए कि जिस विपक्षी एकता को राहुल गांधी बार बार बात करते हैं, जिस विपक्षी एकता की वो इनविटेशन भेज रहे हैं, तो वो विपक्षी एकता सिर्फ कांग्रेस के हवाले से दिख रही है, दूसरी पार्टियों के हवाले से नहीं दिख रही है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए काफी बड़ा बवाल भी इकट्ठा हो रहा है। वहीं अगर आजम खान की बात करूँ, तो आजम खान भी काफी तंगी से चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके ऊपर 15,000 का जुर्माना भी लग गया, बेटे की याचिका भी खारिज हो चुकी है, खुद की याचिका जो कि भार उत्तर प्रदेश से उनकी याचिका थी कि उत्तर प्रदेश से उनके मुकदमे जो है वो भारत लेके आ जाए, वो भी खारिज हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार की अंडर जो जितने भी देखिए नेता हैं योगी सरकार के, जिन जिनने देखिए आजम खान के ऊपर बड़े बड़े मुकदमे दायर कर रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रखे हैं, उनका क्या होगा जब आजम खान की जो याचिका है वो खराब हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।